बात तेरे साथ। आज गाइस मैं आ रही थी और मेरे पे सांड भारी था मतलब आज मैं आ रही थी तो ना भैंस जो होता है भैंस उसने मुझे टक्कर मारने वाला था पर मैं बच सांड बैल वो भैंस थी भैंस काली भैंस थी। हाँ, अच्छा भैंस थी तो उसने सांड नहीं था गाइस मारने वाला था और है ना बार बार वैसे उसके जो मालिक था ना वो उसको पकड़ रहा था वो निकलने की कोशिश छूटने की कोशिश कर रहा था और अच्छा बच गई मैं अपने पापा के पीछे आ गई हाथ पकड़ के और बस ना आँख भी लाल लाल हो रही थी। फिर मैं अपने इधर आई जहाँ पे फूल वाले जो बेचते हैं तो उधर भी है ना गाय धर्म दादी के घर के घर दादी के घर और फिर उधर भी एक गाय थी वो भी मुझे घूर रही थी और उससे भी मैं बच के आई। आईटीआई में क्या करने जाते टिफिन खाने और बस शाम को 4 बजे तक टाइम निकालना होता है फिर क्योंकि बस अटेंडेंस लगती है सर स्वीट देते तो वो हम लोग कर लेते हैं वो पूरी हो जाती फिर पूरे हफ्ते फिर छुट्टी फिर बस खाने का होता पढ़ने का होता उधर पढ़ने का क्या होता नहीं पढ़ने का होता लेटने का होता आराम करने का होता है और कुछ नहीं करता हम लोग बना लेते गाइस। किन्नू आईटीआई जाने के लिए अपनी तैयार हो गई है अभी हम इसकी पैंट नहीं लाए हैं शर्ट लाए हैं अभी तो बहुत गर्मी लगती थी नई नई हाँ तो एक बार पहन लिया था। अरे इसके पापा को एक सपना दिखाई दिया आज कि किन्नू छोटी सी है और इसके पेट में सींग हिरण ने आके सींग मार दिए और वही आज इसके साथ होने वाला था तो किन्नू तू बच के रहना एक दो दिन जानवरों से। और गाइस भूमि भी अभी तैयार होने के लिए उठ गई है और मैंने टिफिन बना दिया इधर भूमि का पड़ा है और आज हमने जो करेले हमने वो बनाए तोड़ के लाए थे कल वही हमने प्याज डाल के 3-4 वो बना दिए और ये भूमि किन्नू दिखाएगी आपको और ये किन्नू भूमि कम खाती है इसलिए मैंने इसके में थोड़े डाले रुक जा हमारा काम सही जाएगा क्योंकि ये सब फ्रेंड्स सब बैठ के खाती है क्लास में इसलिए एक दूसरे का बांट लेती है तो मैं इसके में 4 डालती हूँ और भूमि बोलती है मेरे में 3 भी मत डाला करो उसके में 2 बोलती है पर मैं 3 डाल देती हूँ गाइस। और अभी बस निकलने वाले हैं 9 बजे तक निकल जाएंगे गाइस और इनकी तबीयत ऐसी की ऐसी बरकरार है। और ये देखो गाइस हमारे माँ की और दादा की वोट आई है कि अभी वोट डलेंगे यहाँ पे विधानसभा की है हमारी नहीं बनवाई ना हम बनवाएंगे इधर अभी क्योंकि तो हमारा अभी कोई परमानेंट ठिकाना ही नहीं है गाइस क्या करें। हेलो गाइस देखिए 12:30 होने को आ रहे हैं अभी मैं बर्तन वर्तन सब धो रही हूँ ये रसोई साफ करूँगी अभी ये गैस के कपड़ा और ये सब इनको ना पानी में गर्म पानी में भिगो के और फिर धोऊंगी और आज भी गाइस बहुत गर्मी है देखो कितनी तेज़ धूप निकली है और किन्नू घर पे है तो मैंने उसको बोला थोड़ी ब्लॉग बना दे मेरा वीडियो बना दे तो बनाएंगे तो मिलते हैं थोड़ी देर में बने रही हमारे ब्लॉग में। और देखिए गाइस वो नेक हो गया है अब मैंने किचन एकदम क्लीन कर दिया ये बर्तन वर्तन सब धो दिए और ये पानी रखा है मैंने इसमें निरमा डाल के ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये कपड़े डाल दूँगी मैं पाउडर में भिगू दिया ये और ये थोड़ी देर भीग जाएंगे मैं इनको फिर धो दूँगी इसे ढक देंगे ताकि थोड़ी देर और इनका जो ये चिकने हुए रहते हैं इनका मैल कट जाए तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखो मैंने किचन उचन सब क्लीन कर दिया और ये हमारे पीने का पानी गाइस मेरी मम्मी ने बना दिए मस्त और गाइस ये नगेट्स बनाए मेरी मम्मी ने देखिए हम लोग प्लॉट पे आए हैं और हम और है ना आज थोड़ा सही मौसम हो रहा है इधर हमने हम अपने बैक साइड देखते हैं ना